टेंसेस इंग्लिश का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, इंग्लिश पढ़ने समझने बोलने लिखने का बेस है। आज मैं आपको जिस तरीके से टेंसेस पढ़ाऊंगी समझाऊंगी और इंग्लिश को जिस तरीके से आपके सामने डिफाइन करूंगी, उससे ना केवल आप इंग्लिश बहुत इजीली लिख पाएंगे बल्कि ओपनली फ्लुएंसी के साथ उसे बोल भी पाएंगे। और साथ ही साथ बहुत अच्छी अच्छी मैं आपको वोकैब्स भी बताऊंगी ताकि आप अपने वर्ड्स में उन वोकैब्स का इस्तेमाल कर सको। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ टेंसेस के ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर टेंसेस क्या होते हैं और कौन कौन से हमारे टेंसेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टेंस आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो हमारा पहला टेंस है जो हम स्टार्ट करते हैं जिससे इंग्लिश को बोलना, वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट टेंसेस में जो लास्ट टेंस हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे चार टेंसेस होते हैं। टेंसेस हमारे तीन ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट के चार पार्ट्स हैं। इसके बाद पास्ट टेंस के हम चार पार्ट्स करेंगे, उसके बाद फ्यूचर टेंस के हम चारों पार्ट्स समझेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पार्ट है प्रेजेंट टेंस के, इनकी पहचान समझते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? जो भी सेंटेंस लास्ट में त और ह पे खत्म हो जाता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि अभी मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगी लेकिन आपको समझा देती हूँ, जैसे कि मैं जाता हूँ या मैं पढ़ाती हूँ, तो पढ़ाती हूँ यानी कि लास्ट में क्या आ गया? त और ह। तो जो सेंटेंस ऐसे शब्दों पे खत्म होंगे वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। तो इनकी पहचान होती है, इनकी एंडिंग होती है त और ह पे। उसके बाद इनको इनके जो रूल्स हैं, तीन रूल्स हैं। पहला है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड रूल है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड रूल है डू या डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये है तीन रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अकॉर्डिंगली सेंटेंस देखकर हमें इन रूल्स को वहां अप्लाई करना है। जिस वक्त हम सेंटेंसेस बनाएंगे उस दौरान मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ इन रूल्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है? अभी आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए इस चार्ट जो ड्रॉ मैं यहाँ टेबल बना रही हूँ उसको आप अपनी कॉपी पे प्लीज लिख लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरीके से उसकी एंडिंग होती है। कर रहा है, हो रहा है, जा रहा है, आ रही है, इस तरीके से उसकी एंडिंग होती है। तो इसकी पहचान क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। बहुत सिंपल है। थोड़ा सा समझने में आपको जो टाइम लगेगा, जो एफर्ट लगेगा, जो अंडरस्टैंडिंग लगेगी वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगेगी। उसके बाद वाले सारे टेंसेस बहुत आसान है। इस टेबल को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो के बाद मैं आपको चार्ट के थ्रू ये पूरे टेंसेस लिख कर दूंगी। थर्ड टेंस पे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जैसे कि चुका है, चुका है या दिया है, कर लिया है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो आ चुका है या फिर वो आ गया है, मैंने खाना खा लिया है, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं उसको हम बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। बेसिक इसका सिंपल क्या है? जहाँ काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? इसका जो रूल है वो क्या है? इसका रूल हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा हैज हैव और हैड, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, राइट? फोर्थ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है वो यही है जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की थी, रहा है, रहे हैं, रही है, हो रहा है, हो रही है, इस तरीके से। लेकिन इसमें एक चीज फर्क दिखाने के लिए कि दोनों में कैसे फर्क पहचानेंगे, तो इसमें एक चीज क्या एक्स्ट्रा हो जाती है, इसमें
समय आ जाता है, यानी कि इसमें टाइम भी बताया जाता है। जहां कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ टाइम भी आपको मेंशन है, तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वहां पर बात कर रहा है। इसकी पहचान क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। वहां हम बताएंगे कि सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा, ये भी मैं आपको सेंटेंस बनाने के दौरान बताऊंगी। ये है हमारा प्रेजेंट टेंस, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस के रूल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस के रूल्स। पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इनके इनकी पहचान और इनके रूल समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है आ ए, और इसके जो रूल्स होते हैं वो होते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड रूल है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कोई सेंटेंस खत्म होता है आ ए ई पे, जैसे कि मैं आया, मैं स्कूल गया, तो जो पीछे का सेंटेंस है वो कहाँ खत्म हो रहा है? गया, आ पे, ए पे या ई पे। वो मेरे लिए खाना लाया, वह घर चली गई, तो जहाँ इस तरीके की एंडिंग होती है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जैसे कि रहा था, कोई काम हो रहा था, जैसे रहा था, रहे थे, वो आ रहे थे, हम खा रहे थे, वो पढ़ रही थी, तो रहा था, रहे थे या रही थी जहाँ हमें दिखेगा वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और इसके रूल क्या है? वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी। वॉज, वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको इज़ एम आर नहीं लिखवाया, इज़ एम आर ये कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि आई के साथ एम लगना, यू के साथ आर लगना, ही के साथ इज लगना, शी के साथ इज लगना। तो इज़ एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी था हमारा प्रेजेंट टेंस के कॉन्टिन्यूस का, और पास्ट में क्या आ जाएगा, जो चीज़ें इज में थी वो वॉज में चली जाएगी, जो आर में थी वो वर में चली जाएंगी। तो वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी या चुके थे, या फिर कोई काम ऑलरेडी जो हो चुका था, जैसे कि मैं खाना खा चुकी थी या फिर मैंने खाना खा लिया था, ये दोनों एक ही बात है। कोई काम ऑलरेडी जब पहले से ही हो चुका था उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, खा लिया था, पी लिया था, इस तरीके के जो सेंटेंसेस खत्म होंगे वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस पर बताएंगे। इसका रूल क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था, हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हैड के बाद सीधा यहाँ थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान बिल्कुल कॉन्टिन्यूस जैसी होती है, जैसे कि रहा था, कोई काम हो रहा था, लेकिन उसमें एक चीज़ क्या ऐड हो जाएगी, हमारा टाइम उसमें ज़रूर मैंशन होगा। जैसे कि मैं सुबह से सो रहा था, मैं सुबह से सो रहा था, मैं सो रहा था तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ सुबह से सो रहा था, तो जहाँ टाइम मेंशन होगा तो समझ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी। इसका रूल क्या है? इसका रूल मैं यहाँ लिख देती हूँ, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम सेंटेंस मेकिंग के दौरान समझेंगे कि उनका यूज कहाँ होता है। तो हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी और सिंस और फॉर। ये देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, ये हो गए हमारे चारों पास्ट टेंस के जो पार्ट्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, हैज, हैव और हैड के बाद। तो यहाँ पर हमने हैड के बाद बीन लगाया है, क्योंकि बीन भी थर्ड फॉर्म है किसकी? बी, वॉज, बीन की, यानी कि बीन भी थर्ड फॉर्म है बी की। बी, वॉज, बीन, बी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज सेकेंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है। तो हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस सिंस और फॉर। तो ये थे हमारे पास्ट टेंस। अब बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ।
फ्यूचर टेंस में भी चार पार्ट होते हैं हमारे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ग, गे, गी। कोई भी सेंटेंस जो ग, गे या गी पे खत्म होता है, जैसे मैं आऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी, इस तरीके के सेंटेंसेस, इसके रूल क्या होते हैं? विल या फिर शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर टेंस के लिए हम विल और शैल किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, तो जहां जिसकी जरूरत होगी वो हम सेंटेंस मेकिंग के दौरान समझेंगे। सेकेंड है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, इस तरीके से। इसका रूल है विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। थर्ड है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है चुका होगा, कोई भी काम पहले से ही हो चुका होगा या हो चुके होंगे, हो चुकी होगी, वो सो चुकी होगी, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसकी उसका वो होते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके रूल्स क्या कहते हैं? विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस में बताया था जहां भी हैज, हैव और हैड होगा उसके पीछे हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये बिल्कुल सेम होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की तरह। इसमें क्या चीज ऐड हो जाती है? हमारा टाइम ऐड हो जाता है इसमें, तो रहा होगा और टाइम। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रही होंगी, वो सुबह से खाना खा रही होगी, सुबह से बारिश आ रही होगी, यानी कि यहाँ कुछ एक काम तो हो रहा है कॉन्टिन्यूस, लेकिन कब से हो रहा है? सुबह से हो रहा है या कल से हो रहा है या शाम से हो रहा है, तो कोई टाइम मेंशन है। तो जहां भी रहा होगा और समय, जहां टाइम दिया होगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो इसकी पहचान है रहा होगा प्लस टाइम, और इसका रूल क्या कहता है? विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है, ये सारे रूल्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं, वो हम सेंटेंस मेकिंग के दौरान समझेंगे। तो ये थे हमारे तीन टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और ये चार चार उनके पार्ट्स थे। तो टेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं इंग्लिश को समझने के लिए, ग्रामर को समझने के लिए, क्योंकि बेसिकली जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम घबराते हैं कि कहीं हमने टेंसेस ठीक बोले, ग्रामर ठीक बोली या नहीं बोली। तो इस डाउट को भी रिमूव करने के लिए जिस तरीके से मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, स्टे कनेक्टेड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।